सात पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूंछें थी, सब उसे चिढ़ाते। सात पूंछ का चूहा, सात का चूहा, तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची छह पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, छह पूंछ का चूहा, छह पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक और पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ पांच पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, पांच पूंछ का चूहा, पांच पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ चार पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, चार पूंछ का चूहा, चार पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ तीन पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, तीन पूंछ का चूहा, तीन पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची दो ही पूंछें। तब सब उसे चिढ़ाते, दो पूंछ का चूहा, दो पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिन पूंछ का चूहा, बिन पूंछ का चूहा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? लोग चाहे जितना भी चिढ़ाएं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो तुम्हें सात पूंछ हो या एक भी ना हो, हमेशा ही चिढ़ाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि से काम लो और लोगों के चिढ़ाने पर ज्यादा ध्यान मत दो।